We have a very special case at upstairs. We have seen that there is one mother dog, and she met with an accident. A fast moving vehicle hit her, due to which she is suffering from spinal injury. And after the accident, she just gave a birth of 8 puppies. Mother dog and 2 puppies are absolutely safe here. Myself, Sandeep Sen Gupta, and from last 5 years I am working here. My last job was, I was at TCS, and I had just completed my MBA from Nagpur. But when I got the opportunity at this NGO, then immediately I joined this, because this is my passion. I just want to do something for these stray animals. वाराणसी, आजमगढ़ या जो ये इलाके हैं, उसमें जानवरों के ध्यान देने वाले बहुत कम लोग हैं. इनका इलाज के लिए सुविधाएं कम हैं, इसलिए एक झुकाव था कि जानवरों के लिए कुछ किया जाए. एक जगह कम होने के कारण हम जो छोटे जानवर हैं, जैसे बिल्ली हुई, स्वान हुआ, बंदर हुए, इनके इलाज करने के लिए हम यहाँ लाते हैं. ठीक हो जाने के बाद उनके वहीं स्थान पर छोड़ दिया जाता है. एब्यूज़ वही लोग करते हैं जो जानवरों के प्रति एक नफरत रखते हैं. जागरूक करना होगा कि जानवर ऐसा नहीं कि हमारे लिए एकदम बेकार है या हमसे नफरत है. वो हमारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं. उन चीज़ों को, सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए अपना थोड़ा सा स्वार्थ से हट के एक सोसाइटी के लिए काम करना होगा. ये एक जागरूकता पर ही निर्भर है. हमारा मैसेज यही है कि लोग थोड़ा सा जानवरों के प्रति ध्यान दें. उनको अगर हो नहीं पाता तो इलाज के लिए हमारी संस्था को फ़ोन करें, थोड़ा सा हेल्प करें. अगर सुविधाएं हमारे पास लिमिट हैं, उनको सेंटर तक पहुंचा दें, हम उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे. प्लीज़ आप आगे बढ़िए स्ट्रे एनिमल्स के लिए, उनको एडॉप्ट करिए, क्रुएल्टी ना करें. अगर कहीं भी आपको क्रुएल्टी दिख रही है तो आप चुप ना रहे. हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इमीडिएटली उस नंबर पे कॉल करें. हमसे जो हो सकेगा एज ए लीगल वे में वो हम करेंगे. साथ में जो रेस्क्यू गए उसके लिए तो हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं.